नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। बिरला मंदिर के सामने सुग्रीव किला श्री राम जन्मभूमि मार्ग आज भी जर्जर व मिट्टी से भरा पड़ा है। गर्मी हो या बरसात, उसी मिट्टी से धूल भरी मिट्टी व कीचड़ युक्त रास्ते से राम मंदिर दर्शन हेतु लोग जाने को बाध्य हैं। आज तक किसी अधिकारी ने सड़क के निर्माण पर ध्यान नहीं दिया, जबकि सैकड़ों की संख्या में लोग श्रद्धालु दर्शन हेतु जाते हैं। देख सकते हैं, नया घाट का नाम परिवर्तित कर उस चौराहे का नाम लता मंगेशकर के नाम से स्थापित कर दिया गया, जिसका 28 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उद्घाटन करने आ रहे हैं। जबकि इस रास्ते का निर्माण आवश्यक है, किंतु वहीं शासन और प्रशासन इस ओर से मुख मोड़े हुए हैं। हाँ, खड़े हैं सुग्रीव किला बिरला मंदिर के ठीक सामने। सुग्रीव किला जो राम जन्मभूमि की रोड की ओर जाता है, राम मंदिर को रास्ता जाता है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आज सड़कों का जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है, सड़कों निर्माण नहीं हो रहा है, लोगों को बरसात में आने जाने में कितनी समस्याएं उठती है। और आप जब भी देखते हैं यहाँ पे तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ जाते हैं, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, हर तरफ से लोग यहाँ जाते हैं। और उस समय जब कीचड़ होता है मिट्टी में, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे, ये तो अभी 2-3 दिन में थोड़ा सा इसका ठीक ठाक हुआ, जो स्थिति यहाँ थी कि लोगों को पैदल चलना दुर्भर था। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का मुख्य मार्ग ये जन्मभूमि जाने के लिए मुख्य मार्ग है, और यहाँ की व्यवस्था ये है कि आज तक अभी सालों से ये जीर्णोद्धार के लिए है, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बन पाया। और आप देख सकते हैं कि आज वहीं पे लता मंगेशकर चौराहा, अयोध्या नया घाट चौराहा, जो आज लता मंगेशकर चौराहे के नाम से कल से जो है स्थापित हो जाएगा, और उसकी योजना 2 महीने के अंदर उसको साकार रूप दे दिया गया, जिस जो कारण इसका रहा है कि उसके प्रधानमंत्री मोदी जी का उसमें सुझाव था और योगी जी का उस पर योगदान था कि योगी जी देख रेख में वो चौराहा बनना शुरुआत हुआ, और 2 महीने के अंदर वो चौराहा बना दिया गया। और सारी चीज़ों को, हर चीज़ों का जो है अनदेखा करते हुए आप देख सकते हैं कि उस पर से 11,000 वोल्ट का बिजली तार दौड़ रहा है, जिसके और ठीक उसी के नीचे बीड़ा का जो है रखा गया है, उसकी जो है उस मीटर तार से लगभग मेरे ख्याल से 3 से 4 मीटर ही नीचे है, चूँकि उसका जो है जैसा कि लोगों ने बताया कि 54 सेंटीग्रेड का उसका कुछ उसका था, लेकिन 34 में ला करके उसको कर दिया गया। क्या उससे बिजली विभाग से उसका जो है उनके लोगों से उसका परमिशन लिया गया? लेकिन सारी चीज़ों को धक्का बताते हुए सारे देश देशों का अनुसंधाना करते हुए उनकी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए प्रशासन ने पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया, जिसका कारण है कि सबसे बड़ी चीज़ है उस हाई टेंशन तार के नीचे वो बीड़ा बनाया गया लगाया गया है। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई घटना घटती है, कोई दुर्घटना होती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसको भी नज़रअंदाज करते हैं। खैर, वो तो जो है, लेकिन वो 2 महीने के अंदर जिस तरह से तेज़ी से कार्य किया अंजाम दिया गया है, वो तो एक चौंकाने वाली है। और यहाँ पे जहाँ हजारों लोग आज जा रहे हैं, यहाँ पे इस रास्ते जा रहे हैं, इस पर आज तक प्रशासन ने कभी निगाह नहीं फेरी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कभी सैकड़ों की तादाद गाड़ियाँ खड़ी होती थी, अब इन्होंने वहाँ पे गाड़ियाँ जो है स्टैंड बना रखा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि वहाँ गाड़ियाँ कुछ भी दर्जनों गाड़ियाँ खड़ी हैं लगभग। लेकिन आज यहाँ पे एक चीज़ और चौंकाने बात है कि हमारे अयोध्या के जो राजसदन के जो मुखिया हैं बिल्मेंदु मोहन प्रताप नारायण मिश्र, चूँकि अयोध्या राजा के एक मशियो साहब डॉक्टर राजेश तिवारी से जानना चाहता हूँ कि ऐसे जगह पर, चूँकि वहाँ पर दो स्थानों पर एक सरदार यशवीर सिंह जो है राम जन्म गेट के मुख्य गेट के सामने उसका जो है स्टैंड चलता है, और दूसरा चलता है राजसदन खुलेआम चलता है, जहां पर कई दर्जन गाड़ियां खड़ी होती हैं और वहां पे 50 रुपये से लेकर के 60 रुपये तो वसूला जाता है। इस पर क्यों रोक नहीं लग रहा है? और रही बात ये कि इस सड़क का जीर्णोद्धार कब तक होगा, लोग कब तक इस तक मजबूर होंगे इस सड़क पर चलने को, कितनी समस्याएँ आती होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गड्ढा खुदा हुआ है, क्या हो रहा है वहाँ पर, चीवा पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, तो नहीं जानना चाहिए। लेकिन आज जो है जिस तरह से महीनों से लोगों को यहाँ भ्रमित किया गया है, लोग आते हैं दर्शन के लिए, एक नया संदेश लेके आते हैं कि अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी, अयोध्या गरमा की मूर्ति, अयोध्या आज अपने उस जन्मभूमि मंदिर के वो जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग दर्शन के लिए जाते हैं मार्ग से। और आज आप देख सकते हैं कि अभी साल भर के अंदर तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, और जिस कछुए के चाल से ये विकास का कार्यगत चल रहा है, ये तो हमको लगता है कि सालों लगेगा इसको निर्माण करने में। गिट्टियाँ गिरी हुई हैं, शिवर लाइन पाइप गिरा हुआ है, मोनम गिरी है, सारी चीज़ें हैं, बालू है, गिट्टी है, सारी चीज़ें गिरी हैं।
लेकिन एक भी मिस्त्री कहीं भी एक कारीगर एक काम नहीं कर रहा है, कोई ठेकेदार नहीं दिखाई पड़ रहा है। चूँकि सारे सभी अधिकारियों का ध्यान जो है उस चौराहे पर है, केंद्रित है, जहाँ पर अयोध्या का गौरव नया घाट का एक अपना एक पहचान थी, अयोध्या नया घाट उसके नाम को उस पर एक विराम लगाते हुए और लता मंगेशकर चौराहे नाम से उसको वहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। लेकिन वहाँ सारे अधिकारियों के ध्यान वहाँ पर केंद्रित है, उसका कारण भी सबसे बड़ा कारण है, कल योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी ये अयोध्या में पधार रहे हैं और उनके कारण सारे जिला का प्रशासन जो है वहाँ पर मौजूद है, अयोध्या के शासन स्तर के जो अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि उसका कारण सबसे बड़ा जान है कि वहाँ के हमारे मोदी जी का फरमान है कि वहाँ पर जो है वो लता मंगेशकर चौराहा बनाया जाए, योगी जी का आदेश है कि उसको शीर्घ से शीर्घ कराया जाए, चूँकि 28 तारीख को कल उसका उद्घाटन का समय निर्धारित है। लेकिन अगर चूँकि अगर इसका भी एक टाइम निर्धारित हो जाए कि इसको 2 महीने में या 3 महीने में सड़क का निर्माण कराना है, तो शायद मेरे ख्याल से 2 महीने में सड़क का निर्माण हो जाए। लेकिन यहाँ के जाने वाले जितने भी तीर्थालु हैं उनको कितनी दिक्कत भाई सर, मैं जानना चाहता हूँ अभी हमारे बीच में तमाम लोग आ रहे हैं, सर आप कहाँ से आए हैं? आंध्र प्रदेश से आए हैं आप सर, अभी गए यहाँ पे चीज़ें कुछ दिक्कतें हुई सड़क पे चल रहे हैं, कीचड़ हुआ होगा कुछ? कीचड़ अच्छा है, वो चीटिंग होती है, चीटिंग होती है, कार पार्किंग और गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, और जब भी एक गाड़ी निकलती है तो वहाँ पे ठीक चंद्रा होटल के पास पेट्रोल पंप के बगल जाम से लग जाता है। बगल में अयोध्या कोतवाली है, यहीं पर आर एन साहब बैठते हैं, यहीं पर सीओ साहब बैठते हैं, लेकिन कहीं भी चूँकि उनका जो है व्यक्तित्व अपना जो है वो अधिकारियों अपनी घुसपैठ बना रखे हैं, कमिश्नर उनके यहाँ आते हैं, डीएम साहब उनके यहाँ आते हैं, सचिव आते हैं, तमाम अधिकारी यहाँ आते हैं और उनके यहाँ वो एक दावत दे देते हैं और उससे जो है लोग कोई अधिकारी उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है। मैं जानना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जैसे कि अगर आपने इस तरह से कोई आपने आदेश कर रखा है तो वो टैक्सी स्टैंड कैसे चल रहा है? आज यहाँ पे तमाम ऐसे दर्शन जहाँ पे सरदार यशवीर सिंह है, चूँकि राजमोहन गेट के ठीक सामने उसका जो है चल रहा है वहाँ पे, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? आर विक्रम से आर एन साहब से मैं जानना चाहता हूँ, चूँकि आपके यहाँ के रजिस्ट्रेट अध्यक्ष रजिस्ट्रेट हैं, आपको इस पर निगाह रखनी पड़ेगी। मैं सीओ साहब डॉक्टर राजेश तिवारी से जानना चाहता हूँ कि ऐसे जगह पे चूँकि वहाँ पे दो दो स्थानों पर एक सरदार यशवीर सिंह जो है राजनम गेट के मुख्य गेट के सामने उसका जो है स्टैंड चलता है और दूसरा चलता है राजसरण खुलेआम चलता है, जहाँ पर कई दर्जन गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और वहाँ पर 50 रुपये से लेकर के 60 रुपये तो उसमें जाता है, इस पर क्यों रोक नहीं लग रहा है? और रही बात ये कि इस सड़क का जीर्णोद्धार कब तक होगा, लोग कब तक इस तक मजबूर होंगे इस सड़क पर चलने को, कितनी समस्याएं आती होंगी? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गड्ढा खुदा हुआ है, क्या हो रहा है वहाँ पर, सीवर पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, उसको नहीं जानना चाहिए। लेकिन आज जो है जिस तरह से महीनों से लोगों को यहाँ भ्रमित किया गया है, लोग आते हैं दर्शन के लिए, एक नया संदेश लेके जाते हैं कि अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी, अयोध्या गर्मा की मूर्ति, अयोध्या आज अपने उस जन्मभूमि मंदिर के वो जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में हजारों की तादाद में लोग दर्शन के लिए जाते हैं मार्ग से। और आज यहाँ देख सकते हैं कि अभी साल भर के अंदर तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और जिस कछुए के चाल से ये विकास का कार्यगत चल रहा है, ये हमको लगता है कि सालों लगेगा इसको निर्माण करने में। गिट्टियाँ गिरी हुई हैं, सीवर लाइन पाइप गिरा हुआ है, मोनम गिरी है, सारी चीज़ें हैं, बालू है, गिट्टी है, सारी चीज़ें गिरी हैं, लेकिन एक भी मिस्त्री कहीं भी एक कारीगर एक काम नहीं कर रहा है, कोई ठेकेदार नहीं दिखाई पड़ रहा है। चूँकि सभी अधिकारियों का ध्यान जो है उस चौराहे पर है, केंद्रित है, जहाँ पर अयोध्या का गौरव नया घाट का एक अपना एक पहचान थी, अयोध्या नया घाट उसके नाम को उस पर एक विराम लगाते हुए और लता मंगेशकर चौराहे नाम से उसको वहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। लेकिन वहाँ सारे अधिकारियों के ध्यान वहाँ पर केंद्रित है, उसका कारण भी सबसे बड़ा कारण है, कल योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी ये अयोध्या में पधार रहे हैं और उनके कारण सारे जिला का प्रशासन जो है वहाँ पर मौजूद है, अयोध्या के शासन स्तर के जो अधिकारी वहाँ पर मौजूद है। कारण सबसे बड़ा जान है कि वहाँ के हमारे मोदी जी का फरमान है कि वहाँ पर जो है वो लता मंगेशकर चौराहा बनाया जाए, योगी जी का आदेश है कि उसको शीर्घ से शीर्घ कराया जाए, चूँकि 28 तारीख को कल उसका उद्घाटन का समय निर्धारित है। लेकिन अगर चूँकि अगर इसका भी एक टाइम निर्धारित हो जाए कि इसको 2 महीने में या 3 महीने में सड़क का निर्माण कराना है, तो शायद मेरे ख्याल से 2 महीने में सड़क का निर्माण हो जाए। लेकिन यहाँ के जाने वाले जितने भी तीर्थालु हैं उनको कितनी दिक्कत भाई सर, मैं जानना चाहता हूँ अभी हमारे बीच में तमाम लोग आ रहे हैं, सर आप कहाँ से आए हैं? तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।